बोले हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो वीडियो है वो HSSC डी ग्रुप की वीडियो है। तो इसमें एक तो लेटर जारी हुआ है ESP के जो इलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट हैं। देखो क्या हुआ है कि ESP के बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सैलरी नहीं मिल रही, तो ये लेटर कल जारी हुआ है। ये लेटर क्या होता है कि जैसे HSSC जो आयोग है वहां से वेरिफिकेशन होकर के और पंचकुला वो जो HRD ऑफिस है वहां जाता है और फिर वहां से वो इजाजत देते हैं भाई इनकी सैलरी दी जाए। तो ऐसी लिस्ट जो कल आई है लगभग मेरे ख्याल से 115 कैंडिडेट की लिस्ट है, ठीक है, और उससे पहले भी 226 के लगभग कैंडिडेट जिनको कंसिडर किया गया था उनकी सैलरी लगभग आ रही है। 115 कैंडिडेट ऐसे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत बच्चे जैसे परेशान है सैलरी से, ठीक है, शायद ESM का भी ऐसा कुछ मामला है। तो ये लगभग धीरे धीरे सारी चीजें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी, थोड़ा सा समय लगता है। 115 कैंडिडेट है जिनको सैलरी जुलाई और अगस्त की शायद सैलरी है, तो इनको कंसिडर किया गया है कि भाई ये बिल्कुल वेरिफिकेशन के बाद में ये बिल्कुल इलिजिबल कैंडिडेट है, बिल्कुल योग्य कैंडिडेट है और इनकी सैलरी दी जाए। तो ऐसी एक लिस्ट थी जो मैंने कल पढ़ी थी। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें होती चली जाएंगी। आप कुछ एक और कैंडिडेट भी बच रहे हैं अभी, उनके लिए भी जैसे जो HRD ऑफिस से है वहां से रिकमेंड होता है, HSSC द्वारा उनकी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद में धीरे धीरे उनकी भी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट की, जहां बार बार कोई चीज हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई हमने एग्जाम दिया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, उसके बाद में अब आचार संहिता भी लग गई है, तो ऐसी भी चीजें हैं कि भाई हो सकता है ज्वाइनिंग ना हो, 8 अक्टूबर के बाद ज्वाइन हो, ठीक है। बाकी देखो HSSC डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है इसके लिए एक लेटर जारी किया गया था कि भाई कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो जो 10,997 की जो लिस्ट थी उसमें लगभग 3,000 कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। और जो 3774 की जो लिस्ट आई है उसमें एक्यूरेसी ऑफिशियल कोई डाटा नहीं है कि भाई कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया है, हालांकि इनकी जो ड्यूटी है चुनाव में कुछ एक की आ गई है, कुछ आ सकती है। तो अब बात करते हैं कि ये 2600 की लिस्ट की बजाय जहां ये जो बातें हो रही है कि भाई 2600 की जो लिस्ट है इसके साथ प्लस में अब्सेंट कैंडिडेट कितने हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो लगभग मेरे ख्याल से 3,000 के लगभग हो सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कुछ एक कैंडिडेट वो है जो अभी TGT की जो भर्ती हुई है उसमें भी लगभग 700 से 750 कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो इन्होंने TGT ज्वाइन कर लिया है, तो ये 3,000 की बजाय 3750 कैंडिडेट, 3700, 3500, 3600 तो ये कैंडिडेट हो गए जो अब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो फिलहाल जो बातें हैं जो मुझे मेरे पास जो अपडेट है ये इतनी बड़ी लिस्ट आएगी, लगभग बात कर सकते हैं हम 6,000 के लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो ये लिस्ट आएगी फिलहाल, ठीक है। तो 2600 के बजाय ये दोनों मिला के लिस्ट आएगी। अब बात करें हम कि यदि ग्रुप नंबर 1, 2, 56 और 57 जब इनका रिजल्ट आता है और हरियाणा पुलिस जब इनका रिजल्ट आता है तो ये कंफर्म है कि इनका जब रिजल्ट आएगा तो ये जो कैंडिडेट टॉप स्कोरर कैंडिडेट हैं, आपको पता है कि ये कहां से निकलेंगे, ये इसी लिस्ट से जो 14,000 की जो डी ग्रुप की लिस्ट है जो टॉप स्कोरर, तो यहां से निकलेंगे, 56 स्थान ज्वाइन करेंगे, 1-2 ज्वाइन करेंगे, हरियाणा पुलिस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि अभी जो JVT प्रोसीजर प्रस्तावित है 28 सितंबर का एग्जाम है, तो इस JVT में भी वही कैंडिडेट जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया, क्योंकि JVT का जो एग्जाम है तो 10 से 12 साल बाद हो रहा है, तो इन्होंने डी ग्रुप का भी एग्जाम दिया है, इन्होंने 56-57 का भी दिया है इन्होंने, तो ये जो JVT की जब भर्ती पूरी होती है तो लगभग इसमें जो JVT में जो ज्वाइन करेंगे वो 56-57 से भी निकलेंगे, हरियाणा पुलिस से भी निकलेंगे, वो डी ग्रुप से भी निकलेंगे। हालांकि पोस्ट तो कम ही है 1456, लेकिन 1456 बहुत अधिक संख्या होती है, 100-200-500 भी निकलते हैं तो बहुत ज्यादा हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो डी ग्रुप में जो टॉप स्कोरर जो बच्चे हैं 65+ वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 21,000-22,000 कैंडिडेट हैं जो आपका जो डी ग्रुप का जो रिवाइज जो
रिजल्ट आया था जिसमें आपके नंबर शो हुए थे, तो लगभग मैंने काउंट किए थे उस समय 21,000 कुछ कैंडिडेट हैं जो 65+ है, ठीक है। तो ये 21,000 कौन से हैं? ये ग्रुप नंबर 1-2 के हैं, 56 स्टाउन के हैं, हरियाणा पुलिस के भी हैं, JBT में जाएंगे वो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि समय लगेगा, एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, वो लिस्ट कम से कम भी 10,000 की भी हो सकती है, 8,000 की भी, 7,000 की भी, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी। और उस लिस्ट में कहीं ना कहीं जो 65+ जिसके मार्क्स हैं वो डी ग्रुप में सिलेक्शन ले लेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। 65+ का मतलब 66 भी हो सकते हैं जनरल में, 67 भी हो सकते हैं, लेकिन जब इतनी चीजें होंगी तो डी ग्रुप में जो साथी बहुत लंबे समय से उन्होंने एक यही धारणा बना लिया कि हमें तो केवल और डी ग्रुप में लगना है, वो बार बार वही कॉमेंट्स डी ग्रुप की वेटिंग कब आएगी तो बार बार, क्योंकि उनके दिमाग में कोई चीज वो सनक बैठ गई कि हमें केवल डी ग्रुप में ही जाना है, चाहे और एग्जाम हो कितने भी बतेरे, चाहे दिल्ली पुलिस के एग्जाम होने वाले, अभी वैकेंसी आने वाली है, SSC GD की आ रही है, रेलवे RPF की भी एग्जाम होने हैं, और भी बतेरे प्रकार के एग्जाम होने हैं, ठीक है। हमने SET भी होना है, हरियाणा पुलिस की नई भर्ती 5600 की एक और आ गई है हरियाणा, तो लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज है कि हमें केवल डी ग्रुप में ही ज्वाइन करनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि डी ग्रुप पहले भी मैंने पहली वीडियो भी यही बनाई थी, लास्ट भी यही बनाऊंगा और आगे भी यही बनाऊंगा कि जिसके 65+ नंबर हैं, नंबर क्वेश्चन नहीं नंबर, नंबर क्वेश्चन का मतलब 70 के लगभग, क्योंकि 0.95 से गुणा करेंगे हम, तो जिसके लगभग 70 के लगभग क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, और जिसके 65+ यानी कि 65+ का मतलब 66 भी जनरल हो सकती है, 67, तो आप देख लेना, बशर्ते कि एक कंडीशन है, केवल एक कंडीशन है, यही कंडीशन मैंने हर बार बताई है, पहली वीडियो में भी, बीच में भी, आज भी, आगे बढ़ाऊंगा जब। एक ही कंडीशन है कि 65+ डी ग्रुप की वेटिंग जाएगी, बहुत बड़ी वेटिंग आनी है, यहां एक तो वेटिंग ये आनी है, एक बहुत बड़ी वेटिंग लास्ट में आनी है, कब? बशर्ते कि 56-57 के लिए रोके ज्वाइन हो जाए हरियाणा पुलिस और एक JBT का मामला, अब तो JBT आ गई, ग्रुप नंबर 1-2 भी हो गया, तो ये सारी चीजें ज्वाइन होने के बाद बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, 65+ नंबर सेफ मिलेंगे, ये बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन। क्योंकि जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं, जो डी ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट में जो टॉप स्कोरर है वो 21,000 के लगभग कैंडिडेट है, और 21,000 के लगभग कैंडिडेट है तो उनमें ये 14,000 डी ग्रुप के भी है, और अब ऊपर देख लो 7,000 जो कैंडिडेट बच गए वो 65 और 70 के बीच में है, ठीक है, क्योंकि वहां तक तो ज्वाइन होली 70 तक तो होली जैसे, ठीक है, लगभग कितनी थी जनरल की मेरे ख्याल से 77 थी, और भाई वो कितनी थी, एक 74 थी, एक 73 थी, ऐसी शायद 70 थी, इस तरह से, तो ये इससे ऊपर तो ज्वाइन हो चुके हैं। अब इनके और 65 के बीच में 21,000 में से आप देख लो कितने कैंडिडेट निकलने हैं, 56 स्टाफ निकलना है, हरियाणा पुलिस निकलनी है, ग्रुप नंबर 1-2 निकलना है। अच्छा एक प्लस अभी एक लिस्ट और आएगी तो इसमें भी तो बच्चे जाएंगे ना, ये भी तो 21,000 में काउंट होंगे, क्योंकि 2600 ये हो गए, 3,000 ने ज्वाइन नहीं किया, 750 ये TGT में चले गए हैं, कुछ PGT में, तो कहने का मेरा मतलब, अच्छा फिर एक और कंडीशन है कि 14,000 जो सी ग्रुप है इसके एग्जाम भी चल रहे हैं फिलहाल, तो इनमें भी टॉप स्कोरर कुछ तो डी ग्रुप के भी निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैंने बहुत दिन बाद में डी ग्रुप की जो वेटिंग, ये जो वीडियो बनाई है, ये बहुत ज्यादा कमेंट्स के बाद बनाई है, तो वही जो पहले बनाई थी एज इट इज वही है कि 65+ सेफ है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।